नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज विधानसभा चुनाव जो राजस्थान के हैं उनके नतीजे आ गए हैं और मैं जैसलमेर से आपको कुछ दृश्य साझा कर रहा हूं। यहां से छोटू सिंह भाटी तीसरी बार जीत का परचम लहरा चुके हैं। एक बार बीच में उनको जो राजनीतिक पार्टी के अंदर टिकट नहीं दी गई थी उस वजह से वह नहीं आए थे और तीसरी बार यानी कि तीसरी बार विधायक के लिए पुनः यह जीत करके आए हैं। तो यह जैसलमेर के इतिहास में भी ऐसा शायद पहली बार हो रहा है और हमने कुछ दृश्य जो कैद किए हैं वह दृश्य आपके समक्ष रख रहे हैं और यह गुलास्तला रोड का ही नज़ारा है। तो इस तरह से जब पहले इनका एक कह रहे थे कि आज इनको अनुमति नहीं है, ऐसा रैली नहीं निकलेंगे, लेकिन जब जश्न जब जीत हो जाती है तो विधायक विधायक होता है, जो वहाँ का जनप्रतिनिधि हो जाता है, तो इसलिए उस प्रकार आज जो रैली है आप देख रहे हैं और नाचना ठाकुर और गजरू सागर जो महाराज है वह भी साथ में है, सुनीता जी भाटी जो पूर्व में पहले कांग्रेस में थी और सुरेंद्र सिंह भाटी बड़ौदा गाँव और स्वरूप सिंह पूर्व बीजेपी अध्यक्ष वह भी इस बार देखे गए। तो इस प्रकार कहने का मतलब है कई नेता इस मंच पर साझा कर रहे थे और हमने यह दृश्य कैद किया और उसी के साथ गुलास्तला रोड से होते हुए यह रैली बाजार से होती हुई हनुमान चौराहे पे जाएगी। हम इसके बाद पुनः बाजार में जाएंगे। जैसलमेर के समीकरण की बात करें तो पोकरण में भी समीकरण जो है वो बीजेपी के पक्ष में गया है और शिव में रविंद्र सिंह के बारे में कहा जा रहा है उनकी भी जीत। इस तरह से जो ये हमारा ये पश्चिमी बेल्ट है इसमें करीब करीब निर्णय दे वह एक आपसी कला जो स्पष्ट सामने दिखाई दे रही थी तो उसका यह नतीजा रहा। और चूंकि इस बार का वोटर बहुत साइलेंट था, यानी कि किसी से भी पूछो वह किसी को कोई जवाब नहीं दे रहा था, सभी को हाँ में हाँ मिला रहा था, तो मैंने उसमें ऐसा तय किया कि नतीजा कुछ भी आ सकता है। चूंकि इतना ज़्यादा हम डिफरेंस समझे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रूपाराम जी भी वोट काफ़ी लेकर के आए हैं और दूसरी बात है जब कोई जीत करके आता है और पहली बार उसका कुछ कार्यकाल रहता है तो उसका भी एक प्रभाव रहता है, तो इसलिए उनका कार्य जो है वह। और वैसे छोटू सिंह जी ने भी पूर्व में दो बार MLA का पदभार संभाल चुके हैं, तो कहने का तात्पर्य यही है कि दोनों ही MLA रह चुके हैं। तो हम बगुबा चौक चलेंगे, तब तक दे इजाज़त, जय हिंद।